आइए आज बनाते हैं पनीर रिजाला। ये मैंने ये पनीर को ऐसे करके काट लिया है, आप जैसे चाहे उसको काट सकते हो, स्क्वायर, लंबा, छोटे छोटे पीस, ऐसे मैंने ऐसे काटा है। अब इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको लगा दूंगी। और इस पैन पे मैं गरम कर लिया है, इसमें थोड़ा तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसको एक एक करके थोड़ा इस तरफ उस तरफ लगा के इसको तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसको धीरे धीरे पलट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक कटोरी गरम पानी करके रखा है, उसमें 1 स्पून नमक और चीनी डाला है, इसमें मैं ये पनीर डाल दे रही हूँ। ये सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें डालने से। इसमें डाल दिया, ये अब सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसी पैन में मैं दो स्पून घी डाल रही हूँ और इस पे मैं ये प्याज काट के रखे हैं मैंने बड़े बड़े, और ये थोड़े लहसुन काट के रखे हैं, और ये 10-12 पीस मैंने बादाम भिगो के रखा था इसको डाला, ये शिमला मिर्च डाले हैं मैंने थोड़े से, और थोड़ा अदरक, इसको फ्राई कर लेंगे।
चार पांच हरी मिर्ची भी डाल दिया इसमें। थोड़ा इसको फ्राई कर लिया। ये फ्राई हो गया है, थोड़ा ठंडा करके मैं इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लूंगी। ये मैंने मिक्सी में डाल दिया है, अब इसका मैं पेस्ट बना ले रही हूँ। ये मैंने पीस लिया है, ये देखिए इसको मैंने ऐसे करके पेस्ट बना लिया है। अब मैं इस पैन में 2-3 स्पून घी डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये जीरा, दालचीनी, इलायची और ये इसमें डाल दे रही हूँ, तेज पत्ता ये सब इसमें डाल रही हूँ। और इसमें मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। और इसमें थोड़ा लाल मिर्च, 1 स्पून ही डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। और 1 स्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 2-3 स्पून दही लेके थोड़ा पानी से इसको फेंट लिया था, अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी और इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ दही के साथ। थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी। ये 2-4 टुकड़े मैंने शिमला मिर्च रख दिए थे, इसमें डाल दिए। जब इसका तेल छोड़ने लगे तब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। ये 4-5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, अब ये हो गया। अब इसमें मैं 1 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। और इसमें मैं बहुत ही थोड़ा नमक डालूंगी क्योंकि मैंने पनीर में नमक डाला था। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। इस पनीर को अब मैं इसमें पानी निकाल ले रही हूँ।
अभी ये 2-3 मिनट उबलने लगा है, अब इसमें एक एक करके ये पनीर डाल दे रही हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के से ये टूट जाएगा, नहीं तो वैसे हल्के हल्के से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। ये 3-4 मिनट मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये बनके तैयार है, आप ऐसे इसको सर्व कीजिए और एक बार जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनता है पनीर रिज़ाला। Thank you.